मोदी को रोकने के लिए सारे विरोधी एक हो गए, लेकिन आया तो मोदी ही। मोदी हटाओ के नारे के साथ तमाम अलग अलग विचारधाराओं वाले महामिलावटी ठगबंधन की करारी हार हुई। और इसी के साथ इन नतीजों ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक गोलबंदी के साथ ही वंशवाद की बेल को भी खत्म कर दिया है। जहां अमेठी में राहुल गांधी की हार को पूरे परिवार की हार माना जा रहा है, वहीं बिहार में लालू परिवार को भी जनता ने सिरे से नकार दिया। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ करते हुए 40 में से 39 सीटें जीती हैं। ना तो जातीय गणित चले और ना ही कोई निगेटिव प्रचारबाजी। जनता ने मोदी और नीतीश के चेहरे पर जहां मुहर लगाई है, वहीं लालू दौर की समाप्ति की घोषणा भी करती है। यहां तक कि लालू की बेटी मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही थी, जिनके लिए पूरे महागठबंधन ने ताकत झोंक रखी थी, तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक ने सभाएं की, वहां भी मोदी के तूफान ने लालटेन की लौ को जलने तक नहीं दिया। पार्टी के निर्माण के बाद से ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।